चलो, जब हम लोग लाइट की बात करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, लाइट की बात करते हैं, तो लाइट अपने आप में क्या होता है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। लाइट अपने आप में क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी। तो लाइट एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट एनेबल्स अस टू सी। ठीक है, व्हाट इज लाइट? लाइट इज बेसिकली अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस, दैट इनेबल्स अस टू सी, जो हमें देखने में मदद करता है। ठीक है ना, जब हम लोग लाइट की आगे की कहानी की बात करें, तो लाइट लाइट इज अ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। व्हेन वी से दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस बात का मतलब होता है इट डज नॉट रिक्वायर, इट डज नॉट रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम टू ट्रेवल। इट डज नॉट रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम टू ट्रेवल। क्या मतलब हुआ कि इसको एक मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल की जरूरत करने की नहीं होती? इसका मतलब ये वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है, इसको किसी सॉलिड की, किसी लिक्विड की, किसी गैस की जरूरत नहीं होती फॉर ट्रैवलिंग। इट कैन ट्रैवल इवन थ्रू वैक्यूम। ठीक है, अब तो हम लोग कहते हैं, जब हम लोग लाइट की ड्यूअल नेचर की बात करते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, इस बात का मतलब होता है कि लाइट अपने आप में पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है और लाइट अपने आप में वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है। ठीक है ना, लेकिन हमारा एरिया ऑफ कंसर्न नेचर ऑफ लाइट नहीं है। हमारा एरिया ऑफ कंसर्न क्या है, लाइट जो फिनोमेना शो करता है वो, यानी कि लाइट से आप नेचर में कितनी चीजें क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में प्राइमरीली क्या पढ़नी है, दो मेजर चीजें पढ़नी है। पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जब हम लोग बॉल की बात करते हैं या रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो हम लोग रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस आफ्टर स्ट्राइकिंग अ मीडियम, आफ्टर स्ट्राइकिंग अ मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन, इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, जब हम लोग रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट रेस, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेस और चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रेस आफ्टर स्ट्राइकिंग अ मीडियम। तो जब एक मीडियम को बॉल क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो वो उसको उसके आर पार चली जाएगी, लेकिन उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज। अगर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, और अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, वो सरफेस से बाउंस बैक होकर वापस आ जाएगी। ओके, इंसिडेंट रे क्या होती है, द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे, इज नोन एज इंसिडेंट रे। जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे
कहते हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है बेटा, जो बाउंस बैक करके आती, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होगी, द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट दैट बाउंसेस बैक, दैट बाउंसेस बैक फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। लॉजिक बहुत छोटा सा है। अगर मानो मैं एक मिरर से रिफ्लेक्शन करवा रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा मिरर। अब इस मिरर की सरफेस पे जो रे ऑफ लाइट गिरेगी, इस मिरर की सरफेस पे जो रे ऑफ लाइट गिरेगी, इसे मैं क्या बोल दूंगी, इंसिडेंट रे बोल दूंगी, ठीक है ना। ये जिस पॉइंट पे गिरेगी, ये इस पॉइंट पे गिरी, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। और ये जहां से जो रे बाउंस बैक करेगी, जो रे बाउंस बैक करेगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम लोग मिरर पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, या फिर ऐसा कहें मिरर पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये जो 90 डिग्री का एंगल हम लोग मिरर पे बनाएंगे, जिस रे से बनाएंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल। उसे हम लोग क्या कहेंगे, ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले इंसिडेंट रे को डिफाइन किया, फिर हम लोगों ने रिफ्लेक्टेड रे को डिफाइन किया, और अब हम लोग किसको डिफाइन करेंगे, नॉर्मल को, ठीक है। तो नॉर्मल को कैसे डिफाइन करेंगे, द परपेंडिकुलर डॉन, द पर पेंडिकुलर ड्रॉन टू द मिरर, टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज नॉर्मल, इज नोन एज नॉर्मल। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मिरर से परपेंडिकुलर जो रे हम लोग बनाएंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल। जब भी हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिफाइन करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को, द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज, इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो मूविंग ऑन टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ लिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एग्जाम में बहुत कम पूछते हैं, बहुत कम, रेयर केस में आते हैं,
जनरली नहीं आते। रीजन ये सब आप क्लास 8 में क्या कर चुके हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पहला लॉ होता है द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। ठीक है, ये पहला लॉ है। लॉ नंबर टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू, इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। फाइंड इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर टू पे जाते हैं। अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द मिरर, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द मिरर। वो बात करो तुम। फाइंड इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और लास्ट क्वेश्चन। ये तीन क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क है। रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 degree with the mirror, find angle I and angle R।